हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल जीके ट्रैक पर। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग नई नियुक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं 2024 का लेटेस्ट डेटा यहाँ पर डिस्कस होगा। जितने भी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं इन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनमें से कौन भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश बना है? तो संजीव खन्ना जी बनाए गए हैं भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति खन्ना जी जो हैं ये 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होने के पहले इनको 6 मंथ की अवधि के लिए CJI के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं 50th CJI कौन थे, तो DY चंद्रचूड़ जी थे। 49th CJI थे UU ललित और 1st CJI थे हीरालाल जी कनिया। CJI और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये बात आर्टिकल 124 के खंड 2 के अंतर्गत आती है। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल जो है 65 वर्ष का होता है। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नायब कुमार सैनी। भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं ये और ये दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। हरियाणा के राज्यपाल वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय हैं। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में भाजपा ने 48 सीटें जीती हैं और अब वर्तमान में नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। हम लोग कुछ स्टेट्स के न्यू CM को डिस्कस करेंगे। दिल्ली के नई मुख्यमंत्री बनी है आतिशी मार्लेना, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, भाजपा से बिलोंग करते हैं। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। डिप्टी CM है पवन कल्याण, जनसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, भाजपा से बिलोंग करते हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं जो कि भाजपा से बिलोंग करते हैं। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा जो कि JPM से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव भाजपा से बिलोंग करते हैं। और इसी के साथ राजस्थान के नए मुख्यमंत्री की बात करें तो ये हैं भजन लाल शर्मा, ये भी भाजपा से बिलोंग करते हैं। तो जितने भी नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं हाल ही में उन सभी की लिस्ट यहाँ पर है। आगे हम लोग कुछ नए गवर्नर्स को डिस्कस करेंगे स्टेट्स के, जो भी राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। जैसे OP माथुर जो हैं वो सिक्किम के नए राज्यपाल हैं, झारखंड के संतोष गंगवार हैं, छत्तीसगढ़ के रमन डेका हैं, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाव किशन राव बागड़े और तेलंगाना के जिष्णु देव वर्मा, मेघालय के हैं CH विजय शंकर, महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन और पंजाब सरकार और UT चंडीगढ़ के प्रशासक हैं गुलाब चंद कटारिया। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं वो असम के राज्यपाल हैं और मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है। के कैलाश नाथन पुदुचेरी के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इनकी नई अध्यक्ष बनाई गई हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है विजय किशोर रहाटकर, आप इनको तस्वीर में भी देख सकते हैं। ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना हुई थी भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए। एक एक्ट आया था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में और इसी के तहत 1992 में NCW की स्थापना होती है। वर्तमान में अगर बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजया किशोर रहाटकर। अक्टूबर 2024 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। अमिताभ चौधरी जो हैं वो एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त हुए हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। एस परमेश जो हैं ये भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अविरल जैन जो हैं वो RBI के नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए। विपिन कुमार जो हैं वो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं उसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। दीपक अग्रवाल जो हैं ये NAFED यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए MD बनाए गए। शरद कुमार जो हैं ये BCCI के द्वारा उसकी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख बनाए गए हैं। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख हैं अमनप्रीत सिंह। आतिशी मार्लेना जो हैं ये दिल्ली की नई CM बनाई गई हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन जो हैं
न्यायमूर्ति मनमोहन जो है ये दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश हैं। अमृत मोहन एसएसबी जिसे सशस्त्र सीमा बल कहते हैं इसके नए महानिदेशक बनाए गए। आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख बनाए गए हैं। इसी के साथ अमित शाह की बात करें तो ये राजभाषा पर संसदीय समिति अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए। नए वित्त सचिव बनाए गए हैं तुहिन कांता पांडे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष विपिन कुमार, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। नाफेद जिसे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं इसके नए एमडी बनाए गए हैं दीपक अग्रवाल। नेक्स्ट, भारत के नए कैबिनेट सचिव राजीव गाबा का कौन स्थान लेने वाला है, तो टीवी सोमनाथन ने स्थान लिया है राजीव गाबा का, ये भारत के नए कैबिनेट सचिव हैं। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष जो कि जया वर्मा सिन्हा का स्थान लेंगे तो ये हैं सतीश कुमार। इसके पहले रेलवे बोर्ड की सीईओ और अध्यक्ष थी जया वर्मा सिन्हा, अब वर्तमान में सतीश कुमार हैं, नाम ध्यान में रखेंगे। नए गृह सचिव बनाए गए हैं गोविंद मोहन। नए वित्त सचिव बनाए गए हैं तुहिन कांता पांडे। और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नए निदेशक राहुल नवीन को बनाया गया है। एसबीआई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अमेरिका में नए भारतीय राजदूत बनाए गए हैं विनय मोहन कोत्रा। प्रधानमंत्री जो कार्यालय है पीएमओ उसमें अतिरिक्त सचिव बनाए गए हैं अमित सिंह नेगी। नैसकॉम की नई अध्यक्ष सिंधु गंगाधरन। यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति सूदन। नेशनल हाउसिंग बैंक के एमडी संजय शुक्ला बनाए गए हैं। सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं मनोज मित्तल। इसके बाद राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त हुए हैं जेपी नड्डा। भारत के नए विदेश सचिव यानी कि जो कि विनय मोहन कोत्रा के उत्तराधिकारी होंगे ये विक्रम मिस्त्री हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के अगले अध्यक्ष कौन होंगे, तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जो हैं वो एसबीआई के नए अध्यक्ष होंगे। नए सीबीडीटी प्रमुख यानी नितिन गुप्ता का स्थान लेने वाले व्यक्ति हैं रवि अग्रवाल। इंडिया टीवी के अध्यक्ष न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं रजत शर्मा। डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन जो हैं ये राष्ट्रीय टीवी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त की गई हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो है इसके नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, न्यायमूर्ति सील नागू। इसी के साथ आरबीआई ने चारुलता एस कार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अतुल कुमार चौधरी जो हैं ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। कुछ और नियुक्तियों को डिस्कस करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। राष्ट्रपति ने 7 बार के सांसद रह चुके भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इसको। रॉबर्ट जे रवि जो हैं इनको BSNL के नए अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किया गया। पेटीएम पेमेंट बैंक के नए CEO बनाए गए हैं अरुण बंशल। कुछ और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि नए सेना प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नौसेना के नए प्रमुख हैं वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। पीएम मोदी के प्रधान सचिव PK मिश्रा बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA के रूप में फिर से नियुक्त हुए हैं अजीत डोभाल, पहले भी यही थे। SSC यानी कर्मचारी चयन आयोग जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं राकेश रंजन। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ जो है जिसे नाफेड कहते हैं इसके अध्यक्ष हैं जेठा आहिर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं कपिल सिब्बल। इफ्को यानी कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं दिलीप शंखानी। संजय कुमार मिश्रा जो हैं ये GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख बनाए गए हैं। इसी के साथ भारत पे के CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं नलिन नेगी। RBI के डिप्टी गवर्नर फिर से नियुक्त किए गए हैं रविशंकर, सरकार ने 1 साल का विस्तार दिया है इसमें। एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को 3 और वर्षों के लिए MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त कर लिया है। नाउ अब हम लोग कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। नाटो के अगले महासचिव होंगी मार्क रूटे जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। एलिसा डी एंजो मेड्रेजो जो हैं ये मैक्सिको से हैं, इन्हें वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की अध्यक्षता इनको दी गई है। नई यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं एंटोनियो कोस्टा जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ब्रिटेन की पहली महिला वित्त प्रमुख हैं राचेल रीव्स। KP शर्मा ओली जो हैं वो नेपाल के नए PM बनेंगे। न्यायमूर्ति आलिया नीलम ये लाहौर की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। फिलेमोन यांग जो हैं ये 79th UNGA सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ये कैमरून के प्रधानमंत्री हैं।
डेविड सालवागनी जो हैं ये नासा में एजेंसी के मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, खेलों से संबंधित जो नई नियुक्तियाँ हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ICC के नए अध्यक्ष जयसाज भी बनाए गए हैं। एशिया ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष हैं रणधीर सिंह और इसी के साथ साथ ITDF फाउंडेशन के राजदूत नामित किए गए हैं शरद कमल, ये टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए सेफ्टी मिशन के रूप में नियुक्त किए गए हैं सत्यप्रकाश शांगवान। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए नए कोच नियुक्त किए गए हैं गौतम गंभीर। युवराज सिंह, क्रिश गेल, उसैन बोल्ट और शाहिद अफरीदी ये ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के राजदूत बनाए गए हैं, मेज़बान था अमेरिका और वेस्ट इंडीज़। हरेंद्र सिंह जो हैं ये 2028 ओलंपिक तक भारत के महिला हॉकी टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं। सुश्री शीतल देवी जो कि पैरा तीरंदाज हैं इनको PWD की श्रेणी में राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया था। भारत के चुनाव आयोग यानी ECI और BCCI ने मतदाता शिक्षा और समावेशिता को बढ़ाने के लिए एक प्रदर्शनी क्रिकेट मैच का आयोजन भी किया था। भारत की जो पैरालंपिक समिति है इसके नए अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया को बनाया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वुमेन अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करेंगे महिला नियुक्तियों के बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर, हमने क्वेश्चन में भी इसको पढ़ा था। नई UPSC अध्यक्ष बनाई गई हैं प्रीति सूदन। लोरियल पेरिस की नई वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव सुजाता सोनिक। मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी DGP इदा सीसा नोंगरांग। यूनिसेफ भारत की राष्ट्रीय राजदूत करीना कपूर। AMU की पहली महिला कुलपति बनी हैं नाइमा खातून। IIT खड़गपुर के पहले उपनिदेशक प्रोफेसर रिंटू बनर्जी बनाए गए हैं। मनोज पांडा जो हैं ये नए वित्त आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। संजय नैयर जो हैं ये SHM के नए अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। UPSC के नए निदेशक हंसा मिश्रा। CBSE के नए प्रमुख जो हैं राहुल सिंह हैं। प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं किशोर मकवाना। चुनाव आयोग ने युवाओं को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। किरण रिजिजू जो हैं ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। भारत के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति AM खानविलकर और नए सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं AS राजीव और इसके प्रमुख हैं प्रवीण श्रीवास्तव। फिक्की महिला संगठन की नई अध्यक्ष जयश्री दास वर्मा और स्लाइस की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है नयन तारा। सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी ने BSF की पहली महिला स्नाइपर के रूप में इतिहास रचा है और इसी के साथ अनुराग अग्रवाल जो हैं इनको संसद सुरक्षा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट MD & CEO के अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। विप्रो के नए CEO बनाए गए हैं श्रीनिवास पल्लिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नई MD और CEO बनी है निधि सक्सेना। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नवीन जिंदल। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं MV राव। अरविंद पनगड़िया जो हैं ये सरकार द्वारा वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए। लेबनानी न्यायाधीश नवाब सलाम को 3 साल के कार्यकाल के लिए जो ICJ यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। IRCTC के नए अध्यक्ष और MD बनाए गए हैं संजय कुमार जैन। TRAI यानी भारतीय दूरसंचार नियमितता प्राधिकरण इसके नए अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी को बनाया गया। LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO बनाए गए हैं रवि कुमार झा। NALSA यानी नालसा जिसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण कहते हैं इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना बनाए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी को बनाया गया। इसी के साथ विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को बनाया गया है, इन्होंने अरिंदम बागची का स्थान लिया है। रणधीर अग्रवाल को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। शुभमन गिल जो हैं ये लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब स्टेट आइकन के रूप में नामित हुए हैं। कैटरीना कैफ को IPL 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। IRS अधिकारी
नरेंद्र कुमार यादव जो हैं इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में फिट इंडिया आंदोलन का नेतृत्व दिया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के CEO बनाए गए हैं रघुराम अय्यर। भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से निर्वाचित हुए हैं सेरिंग टोपके। जिनेवा में भारत के WTO राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं सेंथिल पांड्यन शी। बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे और इसी के साथ वरिष्ठ IAS अधिकारी विकास सील को एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को पांडिचेरी के विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। SDFC बैंक जो है SDFC बैंक इसके MD और CEO के रूप में शशिधरन जगदीशन की पुनर्नियुक्ति हुई है। ये अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्व SBI प्रमुख रजनीश कुमार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रमोद अग्रवाल और MD और CEO हैं BSE के सुंदर रमन राममूर्ति। भारतीय कुश्ती महासंघ जो है इसके नए प्रमुख संजय सिंह हैं। मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कुम्भपति ने स्क्वाड्रन डीलर मनीषा पाधी को राष्ट्रीय सशस्त्र बलों में भारत की पहली महिला AD कैंप यानी ADC नियुक्त किया है। सुनीता BS जो हैं इनको सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट की कमान संभालने वाली पहली महिला के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा रक्तदान केंद्र है। आकाशवाणी के महानिदेशक बनाए गए हैं मौसमी चक्रवर्ती। वसुधा गुप्ता की जगह इन्होंने ली है। FTII पुणे के अध्यक्ष बनाए गए हैं R माधवन। इन्होंने शेखर कपूर की जगह ली है। PIB के महानिदेशक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इसके महानिदेशक मनीष देसाई बनाए गए हैं। इन्होंने राजेश मल्होत्रा की जगह ली है। अदर कंट्रीज़ में जो एम्बेसडर हैं उनको डिस्कस करते हैं। नीता मल्होत्रा स्वीडन में एम्बेसडर हैं। अजीमा जो है मालदीव में हैं। विनय कुमार रशिया में। अभय ठाकुर म्यांमार में हैं। संतोष झा श्रीलंका में। गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया में हैं। सुहैल इजाज खान सऊदी अरबिया में। CB जॉर्ज जो हैं ये जापान में हैं। विक्रम दोराईस्वामी ब्रिटेन में। प्रणय कुमार वर्मा बांग्लादेश और विनय मोहन क्वात्रा जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में एम्बेसडर हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। SSB यानी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SSB के नए महानिदेशक बनाए गए हैं अमृत मोहन। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में अमृत मोहन की नियुक्ति जो है वो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी इसको दे दी है। SSB नेपाल और भूटान के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आप इनको तस्वीर में देख सकते हैं। ये हैं जय शाह। ये ICC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये 35 वर्षीय हैं और अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष ये बनेंगे। ICC के अध्यक्ष के पद पर 1 दिसंबर 2024 को ये कार्यभार ग्रहण करेंगे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच किसे बनाया गया है? तो भारतीय पुरुष टीम के नए कोच बनाए गए हैं गौतम गंभीर। इन्होंने राहुल द्रविड़ का स्थान लिया है और इनके अंडर में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में और 2026 का T20 वर्ल्ड कप होगा। इंडिया एंड श्रीलंका इसकी मेज़बानी करेंगे। भारत के नए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो JP नड्डा जी बनाए गए हैं भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं ये जगत प्रकाश नड्डा। सो हम लोग मोदी कैबिनेट 3.0 के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो कि नियुक्त किए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। लिस्ट आप देख सकते हैं, इसमें श्री राजनाथ सिंह जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। इसी तरीके से अमित शाह जी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन है। ये पूरी लिस्ट आपको दी गई है। नितिन जयराम गडकरी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं। श्री जगत प्रकाश नड्डा जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं। नेक्स्ट श्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। निर्मला सीतारमन जी को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बनाया गया है, मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। श्री मनोहर लाल खट्टर जी को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दिया गया है एंड मिनिस्टर ऑफ पावर भी हैं ये। श्री SD कुमार स्वामी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, साथ के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टील भी हैं। श्री पीयूष गोयल जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं। श्री जीतन राम मांझी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं यानी MSME से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट श्री राजीव रंजन सिंह जो हैं ये मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल्स हस्बेंड्रीज
एंड डेरीज हैं। ठीक, सो आगे लिस्ट में हमारी ये पूरी लिस्ट है जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन के फॉर्म में कवर की है, और लिस्ट में भी आप देख सकते हैं। अच्छे से याद कर लीजिए, आगे आने वाले एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि नया मंत्रिमंडल बना है मोदी जी का, तो उस नए मंत्रिमंडल में 2024 से कई सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। श्री सर्वानंद सोनोवाल की बात करें तो इनको मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज बनाया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की बात करें तो ये है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्री किंजरापुरा मोहन रायडू जो हैं इनको मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन बनाया गया है। श्री प्रहलाद जोशी को मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बनाया गया है। श्री ज्वालोराम को मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बनाया गया है। श्री गिरिराज सिंह को मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, श्री अश्विनी वैष्णव को मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बनाया गया है। श्री भूपेंद्र यादव को मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बनाया गया है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हैं इनको मिनिस्ट्री दी गई है कल्चर की, एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म इनको बनाया गया है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनाया गया है, इनका नाम ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। श्री किरण रिजिजू जी को मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स बनाया गया है। श्री हरदीप सिंह पुरी को मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बनाया गया है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो है इनको मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट बनाया गया है। श्री जी किशन रेड्डी को मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस बनाया गया है। श्री चिराग पासवान जी को मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाया गया है, एंड श्री सी आर पाटिल जो हैं इनको मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति बनाया गया है, जल शक्ति मंत्रालय के ये मिनिस्टर होंगे। तो इस तरीके से इस पूरी लिस्ट को भी हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं ANB यानी कि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। PM नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। इन्होंने अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे को प्रतिस्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ FATF। FATF जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं एलिसा डी आंदा मद्राजू। ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। इनको जुलाई 2024 से जून 2026 तक के लिए 2 साल के कार्यकाल के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसे FATF कहते हैं, इसकी अध्यक्षता दी गई है, और इन्होंने टी राजा कुमार का स्थान लिया है जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कोच किसे नियुक्त किया गया है, हरेंद्र सिंह को भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कोच बनाया गया। हरेंद्र सिंह को 2028 ओलंपिक तक की भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच बनाया गया है। पूर्व हॉकी खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता भी रही हैं ये। इन्होंने जेनेके सोपमैन का स्थान लिया है। जेनेके सोपमैन जो है ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। 2024 का ओलंपिक जो है ये पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ। इसी के साथ 2028 का जो ओलंपिक होगा वो लॉस एंजल्स USA में आयोजित होने वाला है। वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष के रूप में कौन बनाए गए हैं, अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। 16वें अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया, ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 15वें अध्यक्ष थे NK सिंह, और हाल ही में मनोज पांडा नए वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 22 नवंबर 1951 में। प्रथम अध्यक्ष थे KC नियोगी, और वित्त आयोग जो है हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 280 के अंतर्गत मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, न्यू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हीरालाल समरिया को बनाया गया है, इन्होंने हर्षवर्धन कुमार सिन्हा का स्थान लिया है। वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा को बनाया गया है। ये विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष होंगे, और इन्होंने डेविड मालपास का स्थान लिया है। स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की 1944 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, और प्रमुख हैं अजय बंगा। MD और CEO हैं अंशुला कांत, और मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमित गिल हैं। हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया, तो S जानकी रमन को RBI का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। कार्यकाल की अवधि इनकी 3 वर्ष की है, आप इनको देख सकते हैं तस्वीर में। उत्तराधिकारी हैं ये मनीष कुमार जैन के, जिनका कार्यकाल 22 जून 2023 को समाप्त हो गया है। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये 25th गवर्नर हैं RBI के। 4 डिप्टी गवर्नर्स की बात करेंगे
टी बी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकीरमन, माइकल पात्रा और एम राजेश्वर राव हैं। SBI की बात करें तो SBI के चेयरमैन हैं चल्ला श्रीनिवास लुसेट्टी। चेयरमैन ऑफ सेबी माधुरी पुरी बुच हैं, ये फर्स्ट फीमेल चेयरमैन ऑफ सेबी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का 28वां लेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है, यानी CGA। SS दुबे को इंडिया का 28th CGA नियुक्त किया गया है। CGA केंद्र सरकार के लेखांकन मामलों पर प्रधान सलाहकार होता है। नीति आयोग का नया CEO किसे बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग के नए CEO हैं VVR सुब्रमण्यम, इनका नाम ध्यान में रखेंगे आप। परमेश्वरन अय्यर का इन्होंने स्थान लिया है, इनके पहले परमेश्वरन अय्यर हुआ करते थे नीति आयोग के CEO। YouTube का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है, नील मोहन बनाए गए हैं यूट्यूब के नए CEO। भारतीय मूल के हैं नील मोहन, इन्होंने पूर्व CEO जो हैं सुसान डायने वोच की, इनका स्थान लिया है। सुजैन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद अब नील मोहन को यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है और 14 फरवरी 2005 में यूट्यूब लॉन्च हुआ था। स्टीव चेन, चार्ड हर्ले और जावेद करीम ने इसको लॉन्च किया था। इसकी जो अथॉरिटी है वो गूगल के पास है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट CEO का हम लोग रिवीजन करते हैं, जितने बार हम लोग रिवीजन करेंगे उतना अच्छे से हमें तैयार होगा सब कुछ। ChatGPT के जो CEO हैं वो सैम अल्टमैन हैं। YouTube के CEO हैं नील मोहन, मेटा के मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, गूगल के सुंदर पिचाई, ट्विटर के लिंडा याकरिनो, एप्पल के CEO हैं टिम कुक, अमेजोन के एंडी जेसी, एडोब के शांतनु नारायण, फ्लिपकार्ट के हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, ICC के हैं जो सेलेडिस, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, BCCI के हैं हिमांग अमीन। तो ये इंपॉर्टेंट CEO हैं जिनका रिविज़न हम लोगों ने किया, 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे अच्छे से याद हो जाएंगे। PDF से लगातार प्रैक्टिस करते रहें ताकि एग्ज़ाम्स में जो इस स्टैटिक GK से क्वेश्चन बनते हैं ये क्वेश्चन आपके छूटने नहीं पाएँ। हाल ही में रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन और CEO किसे नियुक्त किया गया है, सेम चीज़ें आपको बार बार मिल रही हैं, इससे आपका अच्छा सा रिविज़न होने वाला है। यहाँ पर सतीश कुमार जो हैं इन्होंने जयावर्मा सिन्हा का स्थान लिया है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। हाल ही में कांग्रेस के नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं इनको कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। खड़गे ने अपने प्रतिद्वंदी तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर को हराया है। खड़गे को 7,897 वोट मिले, वहीं थरूर को 1,072 वोट मिले। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ये होंगे, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। मकाऊ से हैं और इन्होंने नरेंद्र बत्रा को प्रतिस्थापित किया है। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच हैं क्रेग फुल्टन, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की, ओडिशा से बिलोंग करते हैं। और 2023 का पुरुष विश्व हॉकी कप जो है ओडिशा में हुआ। हु इज़ द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल ये रह चुके हैं। BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म हुआ था झुंझुनू राजस्थान में। विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। हाल ही में भारत का 16वां महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है, आर वेंकट रमनी, आप इनको तस्वीर में देख सकते हैं, इनको इंडिया का 16th अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। KK वेणुगोपाल का स्थान लिया है, वो 15वें थी, अब ये 16वें महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 76 क्लॉज 1 में ये मेंशन है अटॉर्नी जनरल के बारे में। भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं वर्तमान में तुषार मेहता। इंडिया के दूसरे CDS कौन बने हैं, सेकेंड CDS ऑफ इंडिया अनिल चौहान हैं। जनरल विपिन रावत की तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई और उसके बाद सेकेंड CDS बनाए गए हैं इंडिया के अनिल चौहान। वायुसेना प्रमुख की बात करें तो वर्तमान में VR चौधरी जो हैं ये वायुसेना प्रमुख हैं। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी हैं, तो 15वीं राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं ये। स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले प्रथम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी।
1958 में इनका जन्म हुआ था। झारखंड की 9वें राज्यपाल रह चुकी हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती हैं। प्रेषक थे मयूरभंज ओडिशा और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैं। बीसीसीआई के नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने सौरभ गांगुली का स्थान लिया है और बीसीसीआई के वर्तमान सचिव हैं जैसा। महिला क्रिकेट कोच की बात करें तो आमेर मजूमदार हैं। आईपीएल के नए अध्यक्ष हैं अरुण धूमल। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में और इसका मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, सुमन बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया और ये गठित हुआ था नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, और सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं, तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच हैं। इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। इसी के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित जो हैं ये जेएनयू के पहली महिला कुलपति बनाई गई हैं। 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया। भारत का चुनाव जो आयोग जो है इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में। आर्टिकल 324 के अंतर्गत ये मेंशन है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले ख़त्म होती है ये अवधि होती है कार्यकाल की। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और 2 चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश और सुखबीर सिंह हैं, हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया, समीर वी कामत को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। डीआरडीओ, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं, इसका गठन हुआ था 1958 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। अब हम लोग अपर हाउस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा के सभापति हैं वर्तमान में जगदीप धनखड़। उपसभापति यानी वाइस चेयरमैन हैं हरवंश नारायण सिंह। लीडर ऑफ द हाउस हैं जेपी नड्डा एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे। और सेक्रेटरी जनरल जो हैं राज्यसभा के वो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। नाउ लोअर हाउस को डिस्कस करते हैं हम लोग लोकसभा के बारे में। लोकसभा के स्पीकर हैं वर्तमान में ओम बिरला। लीडर ऑफ द हाउस पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी जी हैं। सेक्रेटरी जनरल जो हैं उत्पल कुमार सिंह हैं। नाउ चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। सेकंड सीडीएस हैं करंटली अनिल चौहान और इंडियन आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, 13th चीफ हैं। इंडियन नेवी चीफ हैं दिनेश त्रिपाठी, 26th चीफ हैं। और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं अमनप्रीत सिंह, 28th चीफ हैं। सीआरपीएफ डीजी हैं करंटली अनीश दयाल सिंह। सीआईएसएफ के डीजी हैं राजविंदर सिंह भट्टी। आईटीबीपी डीजी हैं संजीव रैना। बीएसएफ डीजी हैं दलजीत सिंह चौधरी। एसएसबी के डीजी हैं अमृत मोहन। एनएसजी डीजी हैं बी श्रीनिवासन। और असम राइफल्स के डीजी हैं विकास लिखरा। ये सभी न्यू चीफ हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के। सिडबी के नया चेयरमैन हैं मनोज मित्तल। चेयरमैन ऑफ नाबार्ड साजी केवी और चेयरमैन ऑफ एलआईसी सिद्धार्थ मोहंती। सीईओ ऑफ एफएसएसएआई गांधी कमला वी राव। चीफ ऑफ सीबीटीटी रवि अग्रवाल। चेयरमैन ऑफ एनएसई गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। करंटली सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की हैं शैलेश पाठक। चेयरमैन ऑफ आईआरडीएआई ये हैं देवाशीष पांडा। टीआरएआई के चेयरमैन हैं अनिल कुमार लाहौती। चेयरमैन ऑफ एफटीआईआई ये हैं आर माधवन। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी प्रीति सुदान को नियुक्त किया गया है। चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी ये हैं अरुण कुमार मिश्रा। सीबीआई के डीजी हैं प्रवीण शूद। चीफ ऑफ आईबी तपन कुमार देका। चीफ ऑफ रॉ ये हैं रवि सिन्हा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल को नियुक्त किया गया है। सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड सतीश कुमार, इन्होंने जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिया है। डायरेक्टर जनरल हैं आरपीएफ की मनोज यादव। इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, जो कि 10th चेयरमैन हैं इसरो के। चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ ये समीर वी कामत हैं। चेयरमैन ऑफ बार्क अजीत कुमार मोहंती हैं। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी, 36th प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी जय शाह हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी ये हैं मोशी नकवी।
जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ फीफा हैं ज्ञानी इन्फेंटिनो। तैयब इकराम जो हैं मकाऊ से बिलोंग करते हैं, ये FIH के प्रेसिडेंट हैं। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्की। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। इनमें से कौन भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, सेलेक्ट करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।